ओम गंगणपते नमः, जय मातारा। पारसर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से वृषभ राशि के जातकों का मार्च माह का राशिफल प्रदर्शित करने जा रहे हैं। किन किन ग्रहों के संक्रमण तथा राशियों में विचरण से क्या फलादेश होगा, इस विषय में वार्ता करेंगे तथा वृषभ राशि के जातकों पर मार्च माह में किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है तथा किन कार्यों को प्रशस्त करेंगे, इस विषय में वार्ता करेंगे तथा क्या उपाय करने चाहिए, इस विषय में भी बतलाएंगे। मार्च माह में 14 मार्च दोपहर 11:45 पर सूर्य मीन राशि में पदार्पित हो जाएंगे। मंगल 22 मार्च दोपहर 2:27 पर अपनी उच्च की राशि मकर राशि में पदार्पित होंगे तथा बृहस्पति 30 मार्च प्रातः 3:09 पर मकर राशि में अपनी स्वराशि धनु को त्याग कर मकर राशि में संचरण करेंगे। वहीं शुक्र 28 मार्च दोपहर 3:32 पर वृषभ राशि अपनी स्वराशि में संक्रमित होंगे। वृषभ राशि के जातकों के द्वितीय स्थान पर उच्च के राहु, अष्टम स्थान पर धनु राशि के उच्च के केतु तथा दशम स्थान पर कुंभ राशि के सूर्य होंगे, जो कि माह के अंत तक मीन राशि में संचरण करेंगे। वृषभ राशि के मंगल माह के प्रारंभ में अष्टम स्थान में तथा माह के अंत में भाग्य स्थान मकर राशि में संचरण करेंगे। बुध वृषभ राशि के निम्नाभिलाषी कुंभ राशि में दशम स्थान में स्थित होंगे तथा बृहस्पति माह के प्रारंभ में स्व राशि में अष्टम स्थान में तथा माह के अंत तक भाग्य स्थान शनि के साथ मकर राशि में अवस्थित होंगे। इसी प्रकार शुक्र वृषभ राशि के माह के प्रारंभ में मेष राशि में अर्थात वृषभ राशि के द्वादश स्थान पे तथा माह के अंत तक आते आते वृषभ राशि के लग्न स्थान वृषभ राशि में ही स्थिर हो जाएंगे। शनि वृषभ राशि के भाग्य स्थान में अपनी स्वराशि मकर में है तथा केतु वृषभ राशि के अष्टम स्थान में उच्च के धनु राशि में स्थित है। इस स्थिति के अनुसार वृषभ राशि के जातकों को माह के प्रारंभ में स्वास्थ्य को लेकर समस्या हो सकती है। शरीर में गिरावट, कमजोरी तथा हताशा का अनुभव हो सकता है। वृषभ राशि के जातक इस माह अपने आप को एकांतवासी होने का अनुभव करेंगे। किसी भी विषय में मन नहीं लगेगा। मन की स्थिति निरंतर आपको कचोटती रहेगी। वैराग्य से का अनुभव आपको होगा। पिछले बहुत समय से यह अवस्था चल रही है, परंतु इस माह यह अतिरेक पर होगी। वृषभ राशि के जातकों को परिवार तथा कुटुंब से भी उत्तम व्यवहार होते हुए भी उसका अनुभव नहीं करेंगे तथा पुराने समय में जो व्यवहार आपके परिवार में आपका और आपके संबंधी जनों का रहा है, उसको याद कर करके आप वैराग्य के अनुसार, वैराग्य के अनुरूप व्यवहार करेंगे। मन का भाव भी यही होगा। वृषभ राशि के जातकों को इस महाकार्य क्षेत्र में पूर्ण संलग्नता रहेगी। व्यापारी वर्ग को अधिकाधिक कार्य प्रणाली में संलग्न रहना होगा।
नौकरी आदि से संबंधित, जॉब वर्क से संबंधित व्यक्ति भी कार्य में बिजी रहेंगे, सुख का अनुभव वृषभ राशि के जातकों को कम ही होगा, अर्थात भौतिक तथा ऐश्वर्यशालिता से ये इस माह दूर रहेंगे। संतान पक्ष के विषय में वार्ता करें या वृषभ राशि के गार्जियंस के विषय में वार्ता करें तो दोनों ही ओर से आपको विमुखता प्रदर्शित होगी, आपको अनुभव होगा कि वो आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसी आप आशा भी नहीं करते हैं, परंतु अनायास ही यह विचार आपके अनंतर में प्रज्वलित हो गया है। रोग की अधिकता की संभावनाएं नहीं है, रोग नियंत्रण में रहेंगे, शत्रु भी नियंत्रण में रहेंगे, विवाद भी नियंत्रण में रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के जीवन साथी माह के प्रारंभ में आपके मानसिक वेग को ना समझ पाए, परंतु माह के अंत तक आते आते आपकी मानसिकता, आपके विचारिकता, आपके व्यवहार पर विशेष ध्यान देंगे, आप उससे संतुष्ट हों अथवा नहीं, परंतु उनका अपनी ओर से पूर्ण प्रयास रहेगा। यदि कार्य क्षेत्र तथा भाग्य की वार्ता करें तो वृषभ राशि के जातकों को इस माह भरपूर योग बने हुए हैं, कार्य उसका अनुसार भाग्य तथा लाभ पूर्ण सफलता प्रदान करेगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राएं करने का कम ही अवसर आएगा, गुप्त धन प्राप्त होने की कम संभावनाएं हैं, या किसी निवेश में आपने यदि पूर्व काल में किसी योजना में निवेश किया है तो उसके धन के आने में भी विलंब हो सकता है। वृषभ राशि के जातकों का व्यय इस माह बहुत ही कम होगा, व्यय करने के पक्ष में आप होंगे ही नहीं, इस कारण आपको कंजूस होने की उपमा भी प्राप्त हो सकती है, परंतु आप उस व्यय को कर प्रसन्न नहीं होंगे, इस कारण आप व्यय नहीं करेंगे। सीधे सीधे कहा जाए तो आपके वैचारिकता में कंजूसी नहीं, अपितु उस व्यय को करने से लाभ अथवा व्यय की समानता होने के कारण यह प्रकृति बनेगी। वृषभ राशि के जातकों को इस माह में केवल एक ही समस्या बनती हुई दिखाई दे रही है और वह है मानसिक उन्माद, उद्वेग। यह आपको चिंताजनक नहीं करेगा, परंतु आपके व्यवहार में परिवर्तन ला देगा। अतः वृषभ राशि के जातकों को कष्ट की निवृत्ति तथा समस्याओं की निवृत्ति के लिए प्रत्येक शुक्रवार, बुधवार तथा सोमवार को भगवान शंकर को 9 तुलसी पत्र तथा नागर मोथा अर्पित करना चाहिए। भगवान शंकर के दक्षिण ओर सिंदूर से षटकोण बनाइए तथा उसके मध्य में 3 लौंग रखकर उसके ऊपर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक में कुछ अंश सिंदूर के डाल दीजिए तथा भगवान शंकर के सम्मुख ही ओम ऐं नमः मंत्र का जप कीजिए। भगवान विष्णु को काले तिल तथा कुश की जड़ अर्पित कीजिए। सफेद तिल की मिठाई भी आप भगवान को भोग लगा सकते हैं तथा भगवान विष्णु के सामने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। धन्यवाद। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा माता रा आपका कल्याण करेंगे।